नमस्कार फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक नया यानी टॉपिक या वीडियो समझ लो, मैं आपके पास बहुत सारी वीडियो लेकर आता हूँ। आज ये मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए बनाया है, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करना। मेरे पास आज एक इलेक्ट्रिकल स्कूटी है जिसका नाम है ओके नावा है शायद कस्टमर की, मुझे कंफर्म नाम याद नहीं है उसका, ओके नावा है जहाँ तक है। तो उसमें क्या है कि जो मोटर की प्रॉब्लम है, ये कभी रुकती है, कभी चलती है, कभी रुकती है, फिर झटके देती है, फिर चलती है। तो मैंने इसको खोला है और आपके सामने इसका क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं कंप्लीट इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट वॉच करना, बहुत ही अच्छी आपके साथ एक आज टॉपिक मिला है जो इलेक्ट्रिक हर स्कूटी में ये प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम क्यों होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, मैं सभी नटों को इसको एक एलंकी की सहायता से सभी को रिमूव करूँगा, उसके बाद कंप्लीट रोटर को और मैग्नेट को खोल के आपको इसको किस प्रकार से जो प्रॉब्लम है उसको देखना है, कैसे इसका समाधान किया जाता है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस मोटर में देखो, आपको सबसे एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि इस मोटर में जो प्रॉब्लम है कि कभी तो मीटर पे एम लिखा हुआ आ जाता है जैसे मोटर का, और या मोटर झटके देती है, चलती है, जैसे लोड पे थोड़ा हल्का सा एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो मोटर वहीं पे रुक जाएगी और तुरंत जाम हो जाएगी, यानी मोटर रुक रुक के झटके दे के चल रही है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इस वीडियो में, और ये अक्सर हर इलेक्ट्रिकल बाइक में ये प्रॉब्लम आती है। वो क्यों आती है कि हल्का सा अगर पानी चला गया, कहीं सी लकीज हो गई, तो पानी की वजह से, पानी जाने की वजह से अपना जो मैग्नेट वगैरह है वो ख़राब हो जाता है। तो उसको कैसे समाधान किया जाता है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, मैंने सभी एलन की जो नट है सभी को रिमूव कर लिया, और किस प्रकार से उसको ओपन किया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और किस प्रकार से समाधान किया जाता है। देखो, इस तरफ जो नट है इसको भी आपको हटाना है, एक कोई पाना की सहायता से या कोई एलेंकी की सहायता, जो भी हो आपके पास अवेलेबल हो उसके आप स्विच को हटाना, जिससे अपन को रोटर में निकालने में आसानी रहेगी। इस तरह जो डिस्पेड है उसको आपने हमने हटा लिया है, और जो भी ये लॉक है नट वगैरह सभी को आपको रिमूव करना है। देखो, इसको भी आपको हल्का सा लॉक को दबा के निकालना है। ध्यान रहे सभी सामान वापस से एग्जिट करना। जो ये बुश है आपको अंदर बुश दुख रही होगी, देखो जिसमें पेशकश से कर रहा हूँ इसको, ये वाला बुश, इसको भी आपको आसान, ये जंग आने की वजह से थोड़ा जाम हो गया, तो आप चाहो तो इसके ऊपर हल्का सा पानी डाल के भी इसको इजीली निकाल सकते हो। मैं इसको ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ, अगर निकल जाए तो, अदरवाइज़ फिर इसमें पानी डाल के तुरंत निकल जाएगी। देखना हल्का सा इसको थोड़ा सा किसी प्लास वगैरह से आपको थोड़ा लूज करके कोशिश करनी होगी, उसके बावजूद अगर नहीं निकलता हल्का सा पानी डाल के आपको थोड़ा पानी डालो इस पर, ऐसे नहीं निकल पाएगा ये। देखो, मैंने पानी की सहायता से अभी इसको निकाल देंगे हल्का सा थोड़ा, देखो ये तुरंत ही लूज हो गया, ये बाहर आ गई बस। उसके बाद आपको क्या करना है, हल्का से उसको जो रोटर की है उसको हल्का सा लेफ्ट राइट मारना, पहले कभी भी या तो लेफ्ट मार लो या राइट मार लो, जिससे कि हल्के से चाल हो जाए, यानी मोटर में और रोटर में जो हल्का सा जो मैग्नेट उसमें हल्का सा मूवमेंट यानी हल्का सा गैप हो जाना चाहिए, उसके बाद ये निकलेगा दबाते ही। अब देखो, मैं इसको दबा के अभी निकाल रहा हूँ, आपको आपके सामने आप देख सकते हो, अभी हल्का सा इसको लेफ्ट राइट मारने से हल्का सा ये लूज हो जाएगा, उसके बाद आपको निकालना। देखो, अब इसको हल्का सा दबा के तुरंत रोटर बाहर आ जाएगा, ऐसे देखो ये बाहर आ चुका है अपना रोटर। और देखो इसकी क्या कंडीशन, इसमें पानी, मोटर में पानी गया हुआ ऑलरेडी, आप देखो पास आके देखो थोड़ा कितना गंदा रोटर हो रहा है, कितना गंदा मैग्नेट हो गया, कितनी जंग लग रही है। सेंस तो ठीक लग रहा है मेरे को इसका, हाँ अब चेक कर लेंगे। और देखो उसका रोटर पे कितना कार्बन, कितनी जंग आ गई है पानी जाने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। अगर पानी गया है तभी ये कार्बन में जंग आई है। देखो रोटर पे आप आराम से देखो कितना मैग्नेट में कितना कार्बन, कितना जंग पकड़ा हुआ है, और इसी की कार्बन की वजह से अपना जो मोटर है रुक रुक के प्रॉपरली मैग्नेट नहीं बन पाता है और अपनी मोटर झटका देना स्टार्ट कर देती है।
देखो आप आराम से एक बार इसको देख लो, फिर इसको कैसे क्लीन किया जाता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और इसको वापस कंप्लीट फिट फिटिंग करके और मैं आपको इस मोटर को भी चला के दिखाने वाला हूँ। आप कोई भी एक रेजमाल की सहायता से इसको अच्छे से, इसका जो रोटर है इसको हर मैग्नेट को क्लीन करना होगा, और जो अपना मैग्नेट का जो मैग्नेट है रोटर का, तो उसको भी आपको रेजमाल की सहायता से ही इसको क्लीन करना होगा। जिस प्रकार से मैं इसको कर रहा हूँ उसी प्रकार से कंप्यूटर को घुमा के आपको हर इतनी अच्छे तरीके से सफाई करनी होगी कि जैसे कि जितना इसमें कार्बन जितनी भी जंग आई हुई है उसको कंप्यूटर रिमूव करना होगा। जिस प्रकार से मैं आपको इस वीडियो में करके दिखा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको कोई भी रेजमाल या कोई भी अच्छी प्रकार की चीज़ लेके पूरे राउटर का जो इसमें जंग लग रहा है पकड़ रखा है अपना राउटर और मैग्नेट, तो उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। देखो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम आती है जो पानी जाने की वजह से मोटर में किधर से कोई सील भी लकीज हो जाती है या कोई यानी जो बेरिंग उसमें चाल हो जाए उसकी कट जाने की वजह से इसमें पानी चला जाता है, और जो जिसमें ये जंग लग रहा है उसकी वजह से रोटर में और मैग्नेट में प्रॉपरली मैग्नेट नहीं बन पाता है और अपना मोटर वर्क नहीं करती है और वो झटके देना स्टार्ट हो जाती है और लोड भी नहीं लेती है। इस केस में अपन को क्या है कि जो अपना सेंसर मैंने आपको पहले दिखाया था वो भी वीक हो सकता है, बट सेंसर का जो प्रॉब्लम होता है वो 99% बहुत ही कम होता है, 1% चांस हो सकता है अपना सेंसर वीक हो जाए। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, सेंसर की जो कंडीशन होती है उसमें 1% चांस होता है कि वो वीक हो, अदरवाइज 99% चांस उसका ठीक होने का रहता है। इस केस में आपको केवल रोटर की और मैग्नेट की अच्छे तरीके से पूरी जो जंग दिखाई दे रही है उसको अच्छे से क्लीन करना है, जिस प्रकार से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कंप्लीट इस वीडियो में। और आराम से हर अच्छे से कोई कपड़ा ले लो चाहे इसका, अच्छे से क्लीन करके ही आपको इसको वापस फिट करनी होगी, तो ही अपनी मोटर कर चल पाएगी। जिस प्रकार देखो मैंने ठीक कर दिया, कंप्लीट रिमूव कर दिया, और उसके बाद जो अपना मैग्नेट है मोटर का उसको भी आपको देखो मैं दिखा देता हूँ, इसमें शायद पानी गया हुआ है, देखो इसमें पानी ही है, देखो ये साइड से पानी आया कितना सारा मोटर में, कितनी जंग लग रही है इसमें रे यार। तो ये इसको कंप्लीट को साफ करके ही आपको, देखो कितना जंग लग रहा है इसमें मैग्नेट में, दिख रहा होगा आपको साइड से थोड़ा सा, देखो कितना ब्लैक ब्लैक हो रहा है ये, तो इसको कंप्लीट को साफ करना होगा, उसके बाद ही आपको अपनी मोटर को फिट करना होगा और तभी ये प्रॉपर चलेगी। देखो मैं भी इस मैग्नेट को रेजमाल की सहायता से ही क्लीन कर रहा हूँ, जिस प्रकार से मैंने रोटर को क्लीन किया उसी प्रकार से इसका जो मैग्नेट है उसको भी क्लीन करना होगा। ध्यान रहे कि आप चाहो तो हल्का सा इसमें जो ग्लेंडर था उसकी सहायता से भी, अगर ज़्यादा ही कुछ कार्बन आ जाए तो हल्का सा उसकी सहायता से आप उसको थोड़ा सा घस के भी क्लीन कर सकते। ध्यान है, ज़्यादा ग्लेंडर लगाने से मैग्नेट की जो पावर की शक्ति होती है, कैपेसिटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो आप सोच सके जहाँ तक आपको ग्लेंडर वगैरह का कोई भी उनका इस्तेमाल नहीं करना, जहाँ तक हो सके वहाँ तक रेजमाल से ही घसाई करनी है, अदरवाइज अपना जो मैग्नेट की कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाएगी और प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। देखो मैंने इसी की सहायता से कंप्लीट क्लीन कर लिया है, अब मैं इसको फिट करूँगा और आपको भी बता दूँगा, और इसको अब मैं चला के भी दिखाऊँगा कि मोटर में क्या प्रॉब्लम थी, और अब हमारे को काम करने के बाद इसका जो कंप्लीट वीडियो है मैं आपको दिखा रहा। अब देखो मैं इसको फिटिंग करना अच्छे से साफ करके, सेंसर को भी आप आराम से चेक कर सकते हो, सेंसर प्रॉपरली लगा हुआ होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कंप्लीट मोटर वगैरह को क्लीन कर लिया है, राउटर वगैरह को टका ये हो चल जाएगा, और इसको फिटिंग करना है, उसके बाद मैं आपको गाड़ी पे चला के लोड पे भी दिखाऊँगा और फिट करके भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप फर्स्ट बार आए हो टेक्निकल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखो अब जिस प्रकार से मैं इसको फिट कर रहा हूँ आराम से, देखो मोटर फिट हो जाएगी, और ये मैंने इसको खींच लिया और मोटर फिक्स हो गया, और इसको लेफ्ट राइट घुमा के
हल्का सी चोट मार के जिस प्रकार से फिट जो स्क्रू को वापस में फिक्स करना है, जिस प्रकार से आपने स्क्रू को ओपन किया था उसको ही आपको लगाना है। देखो मैं अब इसको स्क्रू लगाऊंगा, सभी स्क्रू आपको प्रॉपरली कसना है, कोई लूज नहीं रहे, हल्की आँच से चोट देना है जिससे कि ये प्रॉपरली फिक्स हो जाए। उसके बाद हल्के हाथ से चोट दे के हर स्क्रू को फिक्स करना होगा जिस प्रकार से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जो भी एलंकी है कंप्लीट एलंकी को वापस इसको प्रॉपरली फिक्स कर देना है, और फिर हम आपको मोटर को अभी चेक करके दिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आइए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी टेक्निकल चीज़ें हम इस चैनल पर आपके लिए डालते रहते हैं जिससे कि आपको आसानी हो और सुविधा भी हो। तो देखो मैं हर स्क्रू को एलंकी की सहायता से वापस फिक्स कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। ध्यान रहे दोस्तों कि अगर आपके पास कोई भी मोटर इलेक्ट्रिकल की आपके पास प्रॉब्लम हो रही है या चार्जर इलेक्ट्रिकल लगा जो कोई भी आईटी लाइन का प्रोडक्ट, सभी के बारे में आप हमारे से पूछताछ भी कर सकते हो हमारे चैनल के द्वारा। तो उसमें कोई हमें इश्यू नहीं है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो हमें कमेंट के द्वारा भी आप हमारे से बातचीत कर सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो फ्री दोस्तों मैं देखो सभी को एलंकी की सहायता से इस मोटर को फिक्स कर रहा हूँ, तो उसके बाद हम इसको चेक करने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो मिस मत करना, लास्ट का जो वीडियो है बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो मैंने आपको जो मोटर की जो प्रॉब्लम बताई थी, मोटर रुक रुक के चलती है, झटके दे रही है, लोड पे नहीं चल पा रही, इन सभी का जो निवारण है जो मैंने आपके सामने दिखाया है किस कंडीशन से मोटर इस अंदर राउटर में प्रॉब्लम थी और मैग्नेट वगैरह में किस प्रकार से प्रॉब्लम थी, तो इसकी वजह से ही ये मोटर अपनी प्रॉपरली नहीं चल पा रहा था और अपनी इश्यू आ रहा था। तो देखो मैंने सभी नट कस दिए, एक नट अभी तक शायद बाकी है तो इसको भी अभी कस दूंगा। तो ध्यान रहे प्लीज़ दोस्तों कि हमारे जो भी चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं वो आपके लिए सुविधा हो, और तो प्लीज़ दोस्तों आपको थोड़ा बहुत ही आपको हेल्पफुल लग रहा हो हमारा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो बहुत से हम ला के आते हैं आपके सामने जो कि आपके लिए अच्छे हो और आपको सहायता भी मिल सके। हमारे बनाए अनुसार हम काफ़ी टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, तो आपको छोटा सा फर्ज बनता है कि आपकी सहायता के लिए हमें हल्का सा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दो। कोई आपके मन में कोई सवाल जवाब हो रहा हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में से कमेंट करके बता सकते हो, हम आपको तुरंत उसके बारे में रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों देखो मैंने सभी नट को अब प्रॉपरली कस दिया है, तो वीडियो पे बने रहना, और अभी आपको वीडियो कंप्लीट मोटर को चेक करना, मोटर पे मैं गाड़ी पे फिट करके चेक करके ही आपको बताऊंगा कि जो मेरी मोटर रुक रुक के झटके दे चुके चल रही थी, मोटर के जो वो है क्या डिस्प्ले, उस पर एम का निशान आ जाता था तो उसमें प्रॉब्लम होती थी एम आ जा। अब देखो मैं अपने गाड़ी के पास आ गया, गाड़ी पे भी फिक्स करेंगे और आपको चला के दिखाने वाले हैं। फिक्स कर दो इसको गाड़ी पे, ये गाड़ी से कौन सी गाड़ी है यार, ये जिन जिन नाम से कोई नई गाड़ी है तो सब में सेम, मैंने गाड़ी का नाम पहले बताया था शायद ओके ना हो तो वो नहीं है, हर की मोटर सेम ही आती है, हल्का सा डिफरेंस होता है दोनों का। कोई भी मोटर हो इलेक्ट्रिकल सब में जो प्रोसेसिंग होता है वो एक ही होता है रोटर मैग्नेट का, उसमें सेंसर वगैरह कंट्रोल एम्पियर एच एक्स्ट्रा आ सकता है लेकिन काम सबका सेम होता है। देखो मैं इसको अभी फिक्स नहीं कर, मैं आपको अभी चला के दिखा दूँ, वीडियो लंबा नहीं बने इसलिए मैं चला के दिखा रहा हूँ आपको। देखना कंट्रोल में एम सी बी ऑन कर दो और चलाओ, एक बार चला के दिखा दो, इसको खोल रहा है ये और यह उसने कनेक्शन कर दिया मोटर का, अभी कंप्लीट जो अपना कंट्रोल है उसमें मोटर के कनेक्शन करके आपको फिर चला के दिखाने वाला हूँ, उसके बाद हम मोटर को फिक्स करेंगे, केवल इसको अभी लगा के ही आपको चला के दिखा देता हूँ मैं। तो अभी कनेक्शन बाकी है अपने इस पर कंट्रोल पर मोटर पे, तो मोटर के कंट्रोल के कनेक्शन करके ही हम आपको इस वीडियो पर बताने वाले हैं। देखो ये मोटर के कंप्लीट वायर है, तीन मोटर का और एक सेंसर वायर है, तो सेंसर को सेंसर की जगह लगाना है और जो कोडिंग दी हुई है
उस कोडिंग के हिसाब से आपकी मोटर की वायर को लगाना है, येलो है, ग्रीन है, और ये कौन सा कलर है, एक कलर और दिख नहीं रहा कौन सा है, ये रेड रेड होगा, नहीं रेड नहीं है, ये लोग यहाँ ब्लैक है शायद, एक बोल है। तो आप उनको सभी कंट्रोल पे मार्किंग होती है, उसी मार्किंग के हिसाब से आपको मोटर की वायर को लगाना है, येलो को येलो की जगह, ग्रीन को ग्रीन की जगह, और ब्लू है क्या कौन सा जो भी है उसको उसकी जगह, जो कलर कोडिंग दी हुई होती है उसी के अनुसार आपको इस पर लगाना है दोस्तों। अब उस जो अपना सेंसर है उसको भी आपको, सेंसर का सॉकेट अलग ही कंट्रोल में होता है, अलग साइड में कंट्रोल के पास ही होता है, जो कंट्रोल में ऑलरेडी लगा हुआ होता है साइड में, आपको दिख रहा होगा कंट्रोल की साइड में, उसी अनुसार सॉकेट में आपको जो सेंसर मोटर का सेंसर का सॉकेट होता है उसको लगाना है। देखो मैंने मोटर को भी फिक्स नहीं किया, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, मीटर पे ऑन करो, रेस्ट देना, कोई नहीं आ रहा ना, देखो ये मोटर अपनी चल चुकी है, इन मोटर अपनी रेडी हो चुकी है, अब आप इसको फिक्स कर देंगे, अब मोटर में कोई इश्यू नहीं, देखो रोक रोक के चला रहा है, हाँ वापस एक्स्ट्रा देना, देखो दे दिया, मोटर अपनी प्रॉपरली चल गई है, तो आप अपने उसको फिक्स कर देंगे, स्पीड भी आ रही है मोटर पे किलोमीटर।